इंडिया में रियाने बनीता के साथ आई नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भोपाल राजभोज विमानन पहुंचे कुछ समय के लिए रुके भोपाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की प्रेस वार्ता में पत्रकारों से खास चर्चा। सागर कुंडलपुर आचार्य विद्यासागर महार के दर्शन के बाद भोपाल पहुंचे पीयूष गोयल। गोयल ने कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं आज के दिन प्रधानमंत्री ने इंदौर के प्लांट का उद्घाटन किया है। दिल्ली में यूएई के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें विश्व के 88 देशों को सम्मिलित करके यूएई 5,00,000 करोड़ भारत में निवेश करना चाहते हैं। 3 महीने के भीतर यहां चर्चा शुरू हुई थी। यूएई से उनके मंत्री दिल्ली आए थे। हमारे युवाओं को आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। भारत में 50,00,000 करोड़ का निर्यात अभी तक नहीं किया गया है। बढ़ता निर्यात देश को प्रगति देगा। इस एग्रीमेंट के तहत हम यूएई को करते हैं कपड़ा लेदर का सामान छोटे छोटे सामान शून्य ड्यूटी से हम यूएई में भेजेंगे जिससे यूएई में सामान सस्ता होगा जिससे हमारे कई रास्ते खुलेंगे। वहीं गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज ने आश्वस्त कराया है कि यहाँ पर भी फूड पार्क बने। मिडिल स्टेट के सभी देशों को यूरोप के वह देश जो यूएई के करीब हैं सभी को फायदा होगा। यूएई ने कोरोना काल में हमारे देश के लोगों का ध्यान रखा। कोरोना में वह मेडिकल सुविधा हमारे लोगों को मुहैया कराई गई थी। यूएई में काम कर रहे लोगों को भी इस एग्रीमेंट का लाभ मिलेगा। आईटी सर्विस इंदौर में आ रही है। वहीं ही वैसे ही छोटे शहरों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। आने वाले दिनों में सरकार मिलकर मध्य प्रदेश में काम करेगी। लघु उद्योग कुटीर उद्योगों और युवाओं को इसका लाभ मिलने जा रहा है। हमारी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड अमेरिका से बात चल रही है। यूएई के कई देशों के साथ हमारी बात चल रही है। मध्य प्रदेश में यूएई का एक्सपोर्ट से सीधे जुड़े गुजरात शिपयार्ड घोटाले पर कहा कि यह लोन 2005 में लिया गया था। उस समय दिल्ली में बैठे लोग फोन कर देते थे, लोन हो जाता था। नवंबर 2013 में यह एमपीए हो गया था। हमारी सरकार से पहले लोन रिस्ट्रक्चर करके उसे ठीक कर घोषित कर दिया गया। हमारी सरकार से इस पर कार्यवाही की। 2016 यह मामला सामने आया था कि लोन एमपीए किया गया। सीबीआई जांच की थी। कुमार विश्वास का तंज केजरीवाल के आरोप पर कहा था कि हम देशवासियों के लिए गंभीर विषय है। केजरीवाल ने उस विषय पर हल्के फुल्के जवाब दिए हैं। उत्तर प्रदेश चल रहे चुनाव गतिविधियों पर कहा कि विपक्षी दलों की आशा है कि उन्हें फिर से सरकार बनाने का मौका मिले। हर वर्ग हर समुदाय से बीजेपी को समर्थन दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मोदी सरकार ने कैन बेतवा लिंक का उपहार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता माफियाओं से निजात चाहती है जो माफिया समाजवादी सरकार में पल रहे हैं। पूजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कई लोगों को गलत फहमियाँ हैं इस विषय को लेकर जो मैं आपके समक्ष खुलासा करना चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए ये लोन जो भी मूल लोन था, प्रिंसिपल लोन था, ये 2005 से 12 के बीच दिया गया और 5 से 12 के बीच लगातार इनको लोन बढ़ते गया, मिलते गया। और तब तो आप जानते हैं किस प्रकार की फ़ोन बैंकिंग चलती थी कि दिल्ली में बैठे नेता, राजनेता, अधिकारी फ़ोन कर देते बैंक चेयरमैन को और उसके आधार पर ही लोन मिलता था। आप और हम कोई छोटा उद्योग लगाने जाएं, कुछ छोटा व्यापार करने जाएं, कुछ फैक्ट्री लगाने जाएं, हमें तो धक्के खाने पड़ते थे, जूते घिसने पड़ते थे। पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए आसानी से हजारों करोड़ के लोन फोन पे उस समय की सरकार के माध्यम से ले लेते थे। 2012 तक उनको लोन मिलता रहा और नवंबर 2013 में, आप तारीखों पर गौर करिए, नवंबर 2013 में ये लोन एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्म। विशेषकर मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो करार हुआ है इससे सीधा हमारे युवा युवतियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार जगत को ढेर सारे लाभ आने वाले दिनों में, वर्षों में मिलेंगे। भारत का निर्यात, जैसा कि आप में से कई मित्रों को ध्यान होगा, इस वर्ष 2021-22 में आज तक का सबसे अधिक निर्यात इस वर्ष होने जा रहा है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक वृद्धि हुई है भारत के निर्यात में। और जो सामान जाते हैं, गुड्स जो जाते हैं, वो $400 बिलियन यानी 30,00,000 करोड़,
और जो सेवाएं हम देते हैं हमारे आईटी के क्षेत्र में सेवाएं देते हैं, अकाउंटिंग मैनेजमेंट अलग अलग क्षेत्र में जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें लगभग 240 बिलियन यानी साधारणतः 18 से 20 लाख करोड़ रुपए, तो 50 लाख करोड़ तक का निर्यात भारत से कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ, इसके नज़दीक भी नहीं हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गत वर्षों में भारत के उद्योग और व्यापार जगत को एक तो तैयार किया और साथ ही साथ विश्व में जो संबंध बनाए और जिसके कारण आज भारत के लोगों पर और भारत के उद्योग पर विश्व में विश्वास बढ़ा है, और मैं मानता हूँ कि ये बढ़ता हुआ निर्यात हमारे देश को भी और गति देगा, प्रगति देगा और हमारे आगे के भविष्य में। जिस विषय पे चर्चा करूंगा वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और भारत के बीच जो कल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है सिपा। जैसा आप सबने देखा होगा ये शायद विश्व में सबसे तेज गति से प्रारंभ से खत्म होने तक सिर्फ 88 दिनों में 88 डेज के अंदर कई सारे विषयों को सम्मिलित करके एक बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में उनके अगुवाई में और यूएई के सुल्तान शेख अल नैलन के सहयोग से और जिस प्रकार से दोनों देशों के संबंध गत वर्षों में बहुत बड़े हैं सुधरे हैं। 2017 में आप जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप घोषित हुई थी, 2019 में वहां के क्राउन प्रिंस ने $75 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ भारत की तरफ निवेश करने को अलग रखे थे कि हम 5 लाख करोड़ भारत में निवेश करना चाहते हैं और अब ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये सब दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में अपनी साख बनाई है, जो पूरे विश्व में उन्होंने अपने संबंध बनाए हैं अलग अलग बड़े बड़े नेताओं से और जिस प्रकार से आज भारत के प्रति विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विश्वास बना है, भारत के उद्योग के प्रति, भारत के सेवा क्षेत्र के प्रति, भारत के लोगों के प्रति जो आज विश्वास बना है, ये उसी का प्रतीक है कि मात्र 3 महीने से के भीतर ये चर्चाएं शुरू हुई। उनके मंत्री 23 सितंबर को आए थे दिल्ली, हमने लॉन्च किया एफटीए नेगोशिएशन और 20 दिसंबर तक पूरी एग्रीमेंट को तैयार करने में हम सफल हो पाए।